डिपोजिटर फास्ट। बैंक डिपोजिटर सरकार को प्राथमिकता। बैंक बुड़िले भी जमाकारी टंका रहिब सुरक्षित। डिपोजिट राशि सीमा 1 लाख रु 5 लाख को वृद्धि। टंका फेरस्त पाई 90 दिन अर्थात 3 मास समय सीमा धार्य। एणिकी बैंक रे जमाकारी टंका रहिब सुरक्षित। कौनसी कारण जोगु बैंक बंद हेले भी जमाकारी टंका को सुरक्षित सेमानकु फेराइबार दायित्व सरकार कर। डिपोजिटर फास्ट नीति ही सरकार को प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार बैंक डिपोजिट इंश्योरेंस कार्यक्रम रे जोग दे एहा कहिछन्ति। डिपोजिटर्स फर्स्ट, जमाकर्ता सबसे पहले की भावना को सबसे पहले रखना और इसे और सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है। पूर्वरु जमा टंका फेरस्त पाइबार कौनसी समय सीमा नथिला। मात्र वर्तमान रा सरकार जमाकारी टंका फेरस्त पाई 90 दिन अर्थात 3 मास समय सीमा धार्य करिछंती। देशर मध्यवित्त नागरिकक चिंता को विचार को नहीं सरकार एही परिमाण को 5 लाख टंका को वृद्धि करिछंती। गरीब की चिंता को समझते हुए 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर रे गत 10 वर्ष धरी लागी रहितबा समस्या रा समाधान होई परिचि। गत किछि दिन मध्यरे 1 लाख रु अधिक जमाकारी फेरस्त पाई नथिबा सेमनक टंका को फेरी पाइछंती। एही फेरस्त टंका परिमाण 1300 कोटी रु अधिक। देश पाई बैंकिंग क्षेत्र तथा देशर कोटी कोटी बैंक अकाउंट धारी को एक बड़ समस्या रा समाधान करिबा पाई आज नुआ भारत गुरुत्व देउछि बोली एही अवसर रे प्रधानमंत्री कहिछंती। दिल्ली रा विज्ञान भवन रे आयोजित एही कार्यक्रम रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मध्य उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।